डिस्कशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा चैप्टर नंबर वन को, जो कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट है। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, एंड मैनेजमेंट, इसके सभी क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस कर लेंगे। चूंकि हमारे सिलेबस में है इसीलिए आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और इसी वजह से हम इसको डिस्कस करेंगे आज। इसके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि इनमें क्या कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिनको हमें पढ़ने की जरूरत है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है बेटा वो है कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग एंड फिल इन द ब्लैंक्स। मीन्स व्हाट, की कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, कुछ वर्ड्स एक बॉक्स में दिए गए हैं और उनमें से हमें ये कहा जा रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स करिए। वर्ड्स कौन कौन से हैं? वर्ड्स हैं फ्लोट, वाटर, क्रॉप, न्यूट्रिएंट, प्रिपरेशन। फ्लोट, वाटर, क्रॉप, न्यूट्रिएंट्स और प्रिपरेशन। प्रिपरेशन, तो हम एक एक करके देखते हैं बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, द सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड। पहला क्वेश्चन है द सेम टाइप ऑफ प्लांट grown on large scale for a particular period of time is called, क्या कहेंगे बेटा? तो जब भी हम सेम टाइप ऑफ क्रॉप को ग्रो करते हैं या सेम टाइप ऑफ प्लांट को ग्रो करते हैं बेटा, तो सेम टाइप ऑफ प्लांट को ग्रो करना क्या कहलाता है? क्रॉप। क्लियर है? मींस व्हाट, कि सेम टाइप ऑफ प्लांट को अगर आप ग्रो करेंगे तो वही क्या कहलाएगा? क्रॉप कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज डैश ऑफ सॉइल। ठीक है, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज डैश ऑफ सॉइल। बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज डैश ऑफ सॉइल। तो बेटा क्रॉप को ग्रो करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? प्रिपेयर करना पड़ेगा सॉइल को। तो यहां पर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की बात हम करेंगे। आई होप क्लियर है। जब भी हम क्रॉप को ग्रो करते हैं तो उससे पहले जो हम स्टेप लेते हैं वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है कि डैमेज सीड्स वुड डैश ऑन द टॉप ऑफ वाटर। डैमेज्ड सीड्स वुड डैश ऑन वाटर। तो बेटा डैमेज सीड का मतलब क्या होता है? सड़े गले सीड्स जो होते हैं, और वो क्या करते हैं? फ्लोट। क्या करते हैं बेटा? तो हम कहेंगे फ्लोट करते हैं, तैरने लग जाते हैं। जो भी डैमेज सीड होता है वो तैरने लग जाता है, यही उसकी पहचान है। और फॉर ग्रोइंग क्रॉप, अगला क्वेश्चन है, सफिशियंट सनलाइट एंड डैश फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। फोर्थ पॉइंट क्या है? फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स सनलाइट डैश एंड डैश आर एसेंशियल फ्रॉम द सॉइल। तो बचा हुआ क्या है हमारे पास बेटा? तो हम कहेंगे क्या कि वाटर और न्यूट्रिएंट्स।
सनलाइट के साथ साथ क्या क्या जरूरी है, वाटर की जरूरत है, क्योंकि हम जानते हैं कि क्रॉप को ग्रो करेंगे तो वाटर बहुत ज्यादा हमें चाहिए होता है, तो वाटर और न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वाटर एंड न्यूट्रिएंट। आई होप क्लियर है। नहीं, क्वेश्चन नंबर वन का यही है, फिल इन द ब्लैंक्स था, सेम टाइप ऑफ प्लांट को ग्रो करोगे तो वो क्रॉप कहलाएगा। क्रॉपिंग से पहले जो सबसे पहला स्टेप होता है वो सॉइल का प्रिपरेशन होता है, सॉइल को प्रिपेयर करना होता है। तीसरा, डैमेज जो सीड्स होते हैं, जो खराब सीड्स होते हैं, वो पानी में तैरने लग जाते हैं, जिसको हम फ्लोट कहते हैं। और चौथा क्या है, फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स सनलाइट वाटर और न्यूट्रिएंट आर एसेंशियल। सनलाइट वाटर और न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है जब हम क्रॉप को ग्रो करते हैं। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम वन विथ कॉलम टू। मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम वन विथ कॉलम टू, मैच द फॉलोइंग है बेटा दूसरा क्वेश्चन, उसमें मैच द फॉलोइंग है, तो पहला है कॉलम वन, दूसरा है कॉलम टू। नहीं, अब हम देखते हैं एक करके कॉलम वन और टू में क्या क्या है। सबसे पहले खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, केमिकल फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक मैन्योर। कॉलम वन में है खरीफ क्रॉप, दूसरा रबी क्रॉप, तीसरा केमिकल फर्टिलाइजर, और चौथा ऑर्गेनिक मैन्योर, ऑर्गेनिक मैन्योर। ठीक है, तो ये चार चीजें हैं। कॉलम टू में क्या क्या दिया है, फूड फॉर कैटल, यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट। ए, फूड फॉर कैटल, दूसरा यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट, तीसरा एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट। एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, यूरिन, फोर्थ है वीट ग्रेन पी पैडी एंड मेज। वीट ग्राम पी, और फिफ्थ है पैडी एंड मेज। बेटे इसको समझने से पहले हम दो चीज समझ लेते हैं। क्या क्या समझ लेते हैं, पहली बात तो हम ये समझ लेते हैं कि खरीफ क्रॉप क्या होता है। तो खरीफ क्रॉप के लिए हम कहते हैं कि वो क्रॉप जो जनरली रेनी सीजन में हम ग्रो करते हैं, जैसे जुलाई से लेकर सितंबर तक। मीन्स व्हाट, द क्रॉप ग्रोन फ्रॉम जुलाई टू सितंबर, फ्रॉम जुलाई टू सितंबर। इसका एग्जांपल क्या है बेटा, पैडी और मेज, जो राइस जिसको हम कहते हैं वो है, और मक्का जिसको मेज कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया खरीफ, ये जनरली बेटा बरसात के सीजन में होता है। वही दूसरी ओर है रबी क्रॉप। रबी क्रॉप के बारे में हम क्या कहेंगे, ये ऐसा क्रॉप है जो ग्रो करता है कब, नवंबर से मार्च में। द क्रॉप दैट ग्रोज बिटवीन नवंबर टू मार्च। नवंबर टू मार्च, इसमें क्या है बेटा, गेहूं, वीट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पर देखो, खरीफ क्रॉप कह रहा था, तो खरीफ क्रॉप के बारे में मैंने क्या बताया कि ये जुलाई से सितंबर में होता है, इसीलिए इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, पैडी और मेज। कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। वन का क्या हो गया, फाइव, पैडी और मेज। दूसरा है रबी क्रॉप, वीट ग्राम और पी,
इसका क्या हो गया फोर्थ। फिर केमिकल फर्टिलाइजर है, केमिकल में यूरिया आता है बेटा, यूरिया और सुपर फॉस्फेट सेकेंड हो गया इसका। और ऑर्गेनिक मैन्योर में क्या है, ऑर्गेनिक मैन्योर में आता है आपको एनिमल एक्सक्रीटा काउडंग थर्ड। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। खरीफ क्रॉप पैडी और मेज ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि हम इसको समझने के लिए सीजन का सहारा भी लेते हैं। पैडी और मेज कब ग्रो करता है तो हम कहेंगे कि आगे बरसात के सीजन में। रबी क्रॉप में क्या आता है, वीट ग्राम और पी। उसके बाद केमिकल फर्टिलाइजर में क्या आता है बेटा, यूरिया और सुपर फॉस्फेट। और ऑर्गेनिक में क्या आता है, जो गाय से बनता है, गाय के गोबर या फिर मान लो जैसे उसके यूरिन या फिर सूखे पत्तियों से जो खाद बनता है उसको हम ऑर्गेनिक मैन्योर कहते हैं। आई होप क्लियर है। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या कहता है, अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है गिव टू एग्जांपल ईच ऑफ खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। थर्ड है गिव टू एग्जांपल्स ईच ऑफ खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप एंड रबी क्रॉप। ठीक है, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप के बीच का एग्जाम्पल बताना है हमें। तो सबसे पहले हम खरीफ क्रॉप की बात करते हैं। अभी बताया था मैंने आपको कि खरीफ क्रॉप में क्या होगा, पैडी और मेज, पैडी और मेज। दूसरा क्या है, रबी क्रॉप, इसके लिए हम क्या कहेंगे, वीट और ग्राम। वीट मतलब गेहूं और ग्राम मतलब चना। आई होप क्लियर है क्वेश्चन नंबर थर्ड भी। अब हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है क्या कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, जैसे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में कह रहा है। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हम क्या कहेंगे कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या है, द प्रोसेस इन विच सॉइल इज प्रिपेयर्ड। दूसरा कह रहे हैं सोइंग, सोइंग मतलब होता है बीज बोना। मीन्स व्हाट कि अगर हम सोइंग की बात करेंगे तो सोइंग मतलब क्या होगा, सोइंग मतलब होगा, ये क्वेश्चन नंबर फोर का है, सोइंग का मतलब क्या होता है, टू गिव द सीड्स इन द ग्राउंड। ठीक है, सोइंग मतलब क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिससे हम सीड्स को ग्राउंड में डालते हैं। उसके बाद है बेटा वीडिंग, वीडिंग क्या है, वीडिंग द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स फ्रॉम द क्रॉप फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग। क्या होता है बेटा, जब हम क्रॉप को ग्रो करते हैं तो क्रॉप के साथ साथ बहुत सारे ऐसे भी प्लांट्स ग्रो करते हैं जो हम नहीं चाहते हैं कि ग्रो करें, जैसे घास या कोई और प्लांट ग्रो कर जाता है क्रॉप के साथ तो हम नहीं चाहते हैं, तो उसको हटाने का जो प्रोसेस है उसी को हम क्या कहते हैं, वीडिंग। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। ठीक है बेटा, वीडिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। अब यहां पर वीड्स क्या है वो भी जान लीजिए। वीड्स के बारे में हम क्या कहते हैं कि वीड्स के बारे में यह कहा जाता है कि वीड्स द अनवांटेड प्लांट ग्रोन इन क्रॉप फील्ड, ग्रोन इन क्रॉप फील्ड। आई होप क्लियर है। द अनवांटेड प्लांट दैट ग्रोज इन क्रॉप फील्ड इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, हम कहेंगे क्या कि उसी को हम क्या कहेंगे, वीड्स कहते हैं। आई होप क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपको वीड्स के बाद, थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या है, तो हम कहेंगे क्या कि द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम चाफ, द प्रोसेस ऑफ
सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम चाफ। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग अनाज से भूसे को अलग करने का जो प्रोसेस है मशीन के द्वारा उसी को हम थ्रेशिंग कहते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि फर्टिलाइजर कैसे डिफरेंट है मैन्योर से। ये हमने वर्कशीट में भी डिस्कस किया था, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं समझ आया है तो हम एक बार और डिस्कस कर लेते हैं कि हाउ आर फर्टिलाइजर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर्स। तो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल राइट फर्टिलाइजर मैन्योर। ठीक है, फर्टिलाइजर और मैन्योर, इट इज केमिकली प्रिपेयर्ड सब्सटेंस। फर्टिलाइजर के बारे में क्या कहते हैं कि ये केमिकल से प्रिपेयर होता है, जबकि मैन्योर के बारे में कहते हैं इट डज नॉट कंटेन केमिकल्स, कंटेन्स केमिकल। ठीक है, अगर फर्टिलाइजर को हम ज्यादा अमाउंट में ऐड कर देंगे तो सॉइल को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन अगर हम मैन्योर को ज्यादा अमाउंट में ऐड करते हैं तो वो किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। मीन्स व्हाट? फर्टिलाइजर व्हेन एडेड इन मोर अमाउंट, फर्टिलाइजर्स व्हेन एडेड इन मोर अमाउंट हार्म्स द सॉइल। ठीक है, वही हम क्या कहेंगे, मैन्योर इफ एडेड इन मोर अमाउंट, इन मोर अमाउंट इट डज नॉट हार्म द सॉइल। ठीक है, फर्टिलाइजर को अगर ज्यादा अमाउंट में ऐड करेंगे तो वो सॉइल को हार्म करता है, जबकि मैन्योर ऐसा कुछ नहीं करता है। आई होप क्लियर है। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट में हम फर्टिलाइजर्स के बारे में ये कह सकते हैं कि फर्टिलाइजर कैन लीड टू डेजर्टिफिकेशन ऑफ सॉइल एज इट नॉट मिक्सेज इन द सॉइल। मीन्स व्हाट? कि फर्टिलाइजर्स आर इनऑर्गेनिक इन नेचर, फर्टिलाइजर्स आर इनऑर्गेनिक इन नेचर सो इट डज नॉट मिक्स इन सॉइल। ये इनऑर्गेनिक इन नेचर होता है, इसीलिए ये सॉइल में मिक्स नहीं होता। इट इज ऑर्गेनिक इन नेचर, ऑर्गेनिक इन नेचर सो इट मिक्सेज इन द सॉइल, इट मिक्सेज इन द सॉइल। क्लियर है, ये ऑर्गेनिक होता है नेचर का, इसीलिए ये मिक्स हो जाता है सॉइल में। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमारा, व्हाट इज इरिगेशन, डिस्क्राइब टू मेथड्स विच कंजर्व वाटर। तो व्हाट इज इरिगेशन क्वेश्चन है, मेंशन टू मेथड्स ऑफ इरिगेशन, टू मेथड्स ऑफ इरिगेशन। तो हम क्या कहेंगे, इरिगेशन क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ वाटरिंग द क्रॉप फील्ड
ये क्या है, इरिगेशन है क्या? इरिगेशन मतलब होता है खेतों में पानी डालना, तो प्रोसेस ऑफ वाटरिंग द क्रॉप फील्ड क्या कहलाता है? इरिगेशन। और दो कौन कौन से हैं तो हम कहेंगे द टू टाइप ऑफ इरिगेशन आर, द टू टाइप्स ऑफ इरिगेशन आर, इरिगेशन आर आर पहला ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, और दूसरा है स्प्रिंकलर सिस्टम। ठीक है, दूसरा क्या है? स्प्रिंकलर सिस्टम। मीन्स व्हाट कि इरिगेशन के बारे में हमेशा ये ध्यान रखना है कि इरिगेशन जो है वाटरिंग ऑफ क्रॉप फील्ड, मीन्स व्हाट कि खेतों को पानी पहुंचाने का प्रोसेस है। और ये दो तरह के जो हैं वो है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और स्प्रिंकलर सिस्टम। आई होप क्लियर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन कह रहा है क्या, इफ वीट इज सोन इन खरीफ सीजन व्हाट विल हैपन, डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इफ वीट इज सोन इन खरीफ सीजन, इज सोन इन खरीफ सीजन व्हाट विल हैपन, एक्सप्लेन। इन खरीफ सीजन व्हाट विल हैपन, एक्सप्लेन, हैपन, एक्सप्लेन। देखो बेटा यहां कह रहा है क्या कि अगर वीट को हमने खरीफ सीजन में शो किया, अगर वीट को हमने उगाया खरीफ सीजन में तो क्या हो सकता है? तो हम कहेंगे क्या कि अगर वीट को हम खरीफ सीजन में शो करेंगे, इफ वी शो वीट इन खरीफ सीजन देन व्हाट विल हैपन, तो हमारा आंसर क्या होगा? इफ वीट इज सोन इन खरीफ सीजन इट विल नॉट गेट एप्रोप्रिएट क्लाइमेटिक कंडीशन, एज ए रिजल्ट इट विल टर्न इन टू वीड्स। मीन्स व्हाट कि अगर वीट को हमने खरीफ सीजन में शो किया तो उसको प्रॉपर अमाउंट ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं मिलेगा। अगर जो ठंडी में उगता है अच्छा, उसको अगर गर्मी में लगाएंगे तो क्लाइमेटिक कंडीशन तो मिलेगा नहीं, जिसकी वजह से ये अनवांटेड प्लांट घास फूस में बदल जाएगा, इसमें अनाज नहीं आएगा। आई होप क्लियर है। हम क्या कहेंगे, इफ वीट इज सोन इन खरीफ सीजन सीजन इट विल नॉट गेट एप्रोप्रिएट क्लाइमेटिक कंडीशन, एप्रोप्रिएट क्लाइमेट कंडीशन एज ए रिजल्ट इट विल गेट कन्वर्टेड इंटू वीड्स, इट विल गेट कन्वर्टेड इंटू वीड्स। आई होप क्लियर है। अगर इसको क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं मिलेगा तो ये तो घास ही बन जाएगा ना। तो ये था इस क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड ड्यू टू कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप। एक्सप्लेन How does soil gets affected? Gets affected due to continuous plantation. So, how does soil gets affected due to continuous plantation? तो हमारा आंसर क्या होगा? Soil gets affected due to continuous plantation because it does not get enough time to regain its fertility. अगर हम लगातार क्रॉपिंग करते रहेंगे तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि उसके पास, soil के पास appropriate time नहीं होगा कि फिर से वो अपनी fertility, अपनी उपजाऊ क्षमता को प्राप्त कर सके, जिससे क्रॉपिंग affected होगा, ज्यादा क्रॉपिंग नहीं होगी। क्लियर है? हम क्या कहेंगे, ड्यू टू कंटिन्यूअस प्लांटेशन, ड्यू टू कंटिन्यूअस प्लांटेशन द क्रॉप डज नॉट गेट
या द सॉइल डज नॉट गेट सॉरी सॉइल डज नॉट गेट एनफ टाइम टू रीगेन इट्स फर्टिलिटी। इट्स फर्टिलिटी सो द प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल डिक्रीजेस। आई होप क्लियर है। यहीं तक हमें करना था बेटा इस चैप्टर में। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया है। अब जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। टिल देन इसको बहुत ध्यान से देखिए, समझिए और फिर वर्कशीट को पढ़िए जो इसके अलॉन्ग आपको मिला है। अब जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम आगे डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू।